वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है, इट्स नेचर्स पपाया पैक ट्रीटमेंट पैक है फॉर ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। ये नेचर्स असेंस का पैक है, अरोमा थेरेपी ब्यूटी सॉल्यूशंस। हम सबको पता है कि नेचर्स असेंस के प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड ये जो पपाया पैक है, ये एक ट्रीटमेंट पैक है ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन होता है जो हमारे माउथ एरिया के पास थोड़े से ब्लैक स्पॉट से अनइवन सी स्किन टोन लगती है, यहाँ पे थोड़ी सी वाइट, यहाँ पे थोड़े से ब्लैक, ये होती है पिगमेंटेशन। एंड ब्लेमिशेस होती है कि जब हमारा कोई पिंपल वगैरह खत्म हो जाता है, उसके बाद जो उसके दाग धब्बे रह जाते हैं, हम उसको कहते हैं ब्लेमिशेस, राइट। ये जो फेस पैक है, ये आपका ये एक ट्रीटमेंट है। ये आप जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हो तो आपको धीरे धीरे, लाइक अब एक साथ तो यार कोई भी चीज अपना काम नहीं करती, लाइक लेकिन धीरे धीरे ये अपना आपके सारे वो पिगमेंटेशन होगी और जो ब्लेमिशेस होंगे उनको लाइट अप करती है, लाइट करती है, और ये धीरे धीरे इसको आपकी स्किन को ग्लो भी आता है। ये वाला फेस पैक लगा के फ्रेश हो जाती है आपकी स्किन, ग्लोई हो जाती है, और आपकी जितनी भी डेड स्किन वगैरह होती है सब कुछ हट जाते हैं, राइट। अब ये मैंने इसको नायका से खरीदा था एंड ये पपाया पैक है। आप सब जानते हो मतलब इसका मेन इंग्रेडिएंट पपाया है, राइट। एंड अब ये क्लेम, पहले तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग बता दूँ। ये मेरे पास 60 ग्राम का प्रोडक्ट है। 60 ग्राम का प्रोडक्ट मुझे मिला था 125 रुपीस में। इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। एंड ये प्रोडक्ट मेरे पास आज कल परसों नहीं खरीदा, ये प्रोडक्ट मैं 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, राइट। मैं भी आपको इसको खोल के दिखाऊंगी, आपको पता लग जाएगा। मैं इनफैक्ट इसका बस थोड़ा सा ही रह गया, मैंने इसका काफ़ी सारा ही प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हुई हूँ। 60 ग्राम की पैकेजिंग है, 125 रुपीस की है। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर मैं देखूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर मैं आपको इसकी शेल्फ लाइफ बताऊं तो ये 3 साल चलता है, राइट। 3 साल में 60 ग्राम का 125 रुपीस का है, तो आराम से आप इसको एक बार फेस पैक खरीदो, आराम से आप अपना यूज करते रहो, ओके। अब ये पपाया अभी क्लेम क्या करते हैं, ये कहते हैं फ्रूट एक्सट्रैक्ट रेंज है। ये फ्रूट से पूरा ये जो फेस पैक है फ्रूट के रिलेटेड है, फ्रूट से बनाया हुआ है। पपाया एक्सट्रैक्ट एंड द एंजाइम बेस्ड पैक इज सुटेबल फॉर डार्क एंड द पैची एंड द पिगमेंटेड स्किन, जिनके बहुत ज्यादा पैचेस होते हैं, इधर उधर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए पपाया बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ अ नेचुरल प्रॉपर्टीज होते हैं पपाया में, जो इम्प्रूव करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, और रिमूव करता है डेड एपिथेलियल सेल्स को, जो डेड स्किन होती है वो उसको हटाता है। इट इज आइडियल टू बी यूज ऑन द पिगमेंटेड स्किन के ऊपर, या आप इसको यूज कर सकते हो ब्लेमिश दाग धब्बों वाले स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। एंड ये आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस आउट करता है, ये नहीं कि आपका स्किन बिल्कुल ड्राई आउट कर देगा। आपकी स्किन जब आप इस फेस पैक को यूज करोगे आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश एंड ग्लोई हो जाएगी। मैं अभी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पैक लगा के भी दिखाऊंगी। अब लगाना कैसे, इट्स जस्ट अ पैक, ओके। इन्होंने डाला क्या हुआ, इन्होंने डाला हुआ है पपाया एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, लाइट कायोलिन डाली हुई। कायोलिन इज अ काइंड ऑफ मुल्तानी मिट्टी होती है, लेकिन थोड़ा व्हाइट शेड में होती है, व्हाइट मुल्तानी मिट्टी टाइप ऑफ थिंग होती है कायोलिन। एंड बेनोटोनाइट डाला, आई डोंट नो क्या होता है ये, T1O2 डाला हुआ है, ओके। अब इसको लगाना कैसे, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी एट द एंड, राइट। तो ये हो गया, मैंने इसके बारे में बता दिया। एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये प्रोडक्ट, मैंने इसको नायका से खरीदा था। ये 60 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट है। इसकी एक बड़ी पैकेजिंग भी आती है 250 ग्राम की, 125 ग्राम की पैकेजिंग आती है जो 250 रुपीज का है, राइट। 125 ग्राम की पैकेजिंग एंड 250 रुपीज का, ओके। ये रही इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड बहुत ही ऑरेंजी सा, लाइक पपाया सा दिखाया हुआ है, सिल्वर इसकी लाइनिंग है एंड पपाया बनाया हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट पैक है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो इतनी बड़ी आपको ये टब मिल जाता है 60 ग्राम का, राइट। एंड नीचे इसके इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है 125 रुपीज, और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है, और जो जो चीज़ें इन्होंने कार्डबोर्ड के ऊपर लिखे वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके ऊपर मेंशन की। आप मेरी डब्बी देख सकते हो कितनी, मैं इसको मेरे को हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा ही हो गया, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा। अब देखो कितनी गंदी हो चुकी है इसकी डब्बी यूज़ कर करके, ओके। आपको ये मिलता है, ओपन हो जाता है, काफ़ी अच्छा प्लास्टिक दिया हुआ है, एंड आपको ये मिलता है आप इसके साथ, आप इसकी लिड खोलो एंड आप इसको ये देखो, राइट। ये मुल्तानी मिट्टी का पैक है, लेकिन थोड़ा क्रीमिश सा पैक है, राइट ये। एंड अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। मैं आपको ये वाला पैक लगा के दिखाती हूँ, मैं अपने फिंगर से ही लगाऊंगी एंड
राइट, आपने अपने आई एरिया पे नहीं लगाना। ओके, एज यू कैन सी मैंने अपना फेस पैक लगा लिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें मुल्तानी मिट्टी डाली हुई है, राइट? तो ये बहुत ही ना ड्राई ड्राई सा फेस पैक लगता है, तो मुझे होता है कि ये बहुत जल्दी ये सूखना चाहिए। आप देखो ये कितनी जल्दी, अभी मुझे लगा 2 मिनट भी नहीं होते सूखना शुरू हो जाता है। तो व्हाट आई डू कि मैं इसको दोबारा से ये जो मेरे पास मेकअप सेटिंग स्प्रे है, अब मैं इसको एज अ फेशियल मिस्ट भी मैं इसको यूज करती हूँ, तो इसमें जस्ट एलोवेरा ग्लिसरीन एंड रोज वाटर डालो है, तो मैं जस्ट इसको 2-4 बार ताकि वो मुल्तानी मिट्टी फिर से थोड़ी सी वेट हो जाए और वो अपना फिर से थोड़ा सा और थोड़ी देर अपना काम करती रहे। अगर वो फटाफट सूख जाएगी फिर तो उतारने का टाइम आ जाएगा, इसलिए व्हाट आई डू कि मैं अच्छी तरह से एक बार उसको गीला कर दे। अब इसमें अगर मैं मिक्स करती तो इतनी आसानी से मिक्स नहीं होती, व्हाट आई डू कि मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ एंड आई एम जस्ट डन। ये एक टिप थी, आप इसको बनाओ और आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको कुछ मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक अगर आप के पास प्रोडक्ट है, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, अब आप ये देखो दोबारा से ये थोड़ा सा गीला हो गया, राइट? तो आप अब आराम से आप इसको 15 मिनट्स ये आपका लेगा आप ड्राई होने में, तो उतनी देर हम वेट करते हैं। तो मैं मिलती हूँ जब 15 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद, जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। मेरा फेस पैक अच्छी तरह से सूख चुका है, मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से स्क्रब करूंगी, उसके बाद मैं उतारूंगी। बिल्कुल एक साथ आपने नहीं उतारना होता फेस पैक, अब मैं उतार के आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड जस्ट मैंने इसको पैड ड्राई करना है एंड आप देखो ये इसने सारे सॉफ्ट कर दिया मेरे नोज को एंड कितना डेड स्किन सारे उतार दिए एंड सारी पिगमेंटेशन वगैरह कितनी कम कर दी। मेरा माउथ एरिया आप देखो कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है एंड ओके, अब मैं जस्ट अपना फेस सीरम लगा रही हूँ। अब ये देखो खत्म भी हो चुका है एंड मैं इसको दोबारा बनाऊंगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा है बस वही लगाना है एंड जस्ट फिर लिप बाम लगानी है एंड देन। अब आपने देख लिया मैंने इसको कैसे लगाया, क्या उतारा, क्या सिंपल फेस पैक है, आपने उसकी तरह इसको लगाना है, कुछ नथिंग फैंसी। हाँ, मैंने एक चीज अपनी तरफ से जरूर की थी क्योंकि थोड़ा मुझे काफी ड्राई ड्राई सा लगता है, तो मैं इसमें मिक्स करूं फिर मैं उसको ये वो करूं, इतने पचड़े करने से अच्छा है कि मैं इसको अपने फेस पे लगा के मैं इसको जस्ट अपना फेशियल मिस्ट कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा वेट हो जाए एंड वो थोड़ा 15-20 मिनट तक आराम से मेरे फेस पे रहनी। तो इसको लगाते ही बिल्कुल ही ड्राई होना शुरू हो जाता है, लगाते बाद में ड्राई पहले हो जाता है। ओके, दिस वॉज द रिव्यू एंड द डेमो ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू लाइक माई वीडियोज। आई गेस ये आपको आपके लोकल स्टोर वगैरह में भी मिल जाएगा, अमेजन पे मैंने चेक नहीं किया, आप अमेजन पे चेक कर सकते हो, बट मैंने इसको नायका से खरीदा था। एंड अगर आपको ये रिव्यू एंड डेमो अच्छा लगे डू लाइक माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट दैट बेल बटन ताकि फ्यूचर में नोटिफाइड रहो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ एंड टिल देन बाय।